दोस्तों मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। आज हम करने वाले हैं 2023 का न्यूली लॉन्च एम्पियर की तरफ से जील ईएक्स, जो कि लिथियम आयन बैटरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस स्कूटर में पुराने वाले मॉडल से क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं, क्या क्या नए फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, रेंज कितनी देता है, कितने घंटे में चार्ज होता है, ऑन रोड कीमत क्या है और वारंटी क्या है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले स्कूटर के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ऊपर वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। ये जो इंडिकेटर हैं वो टोटल हेलोजन में आपको मिल जाएंगे। बाकी नीचे में एप्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। नीचे में एम्पियर की ब्रांडिंग दी गई है। अगर हेडलाइट की अगर हम बात करें तो टोटल हेलोजन हेडलैम्प का यहाँ पर यूज़ किया गया। अगर इसमें एलईडी वाली लाइट होती तो काफ़ी अच्छा रहता। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ भी आपको लेमन ग्रीन कलर, सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ भी आपको डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। बाकी आगे वाले मडगार्ड के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ भी आपको डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। टोटल इसमें फाइबर बॉडी का यूज किया गया है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है। बाकी आगे में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबाते हैं तो आगे वाली ब्रेक भी काम करती है। आगे का जो टायर है वो 3-0-0-10 प्रोफाइल का दिया गया है और 10 इंच का आगे में स्टील व्हील रिम यहाँ पर आपको मिलेगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। स्कूटर के साइड बॉडी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसके बॉडी पैनल के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जील है वो पूरा का पूरा 3D में लिखा हुआ है। ईएक्स की ब्रांडिंग है। यहाँ भी आपको थोड़े से लेमन ग्रीन, सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा मैट ब्लू कलर का यूज किया गया है। ये टोटल प्लास्टिक बॉडी यहाँ पर आपको मिलेगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 145 mm की थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि देखा जाए तो सीटी के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। अगर हम इसके सीट की बात करें तो इसमें डुअल टोन कलर की आपको सीट मिल जाती है, जो दो लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट है। और अंदर की जो कुशन है, जो फॉर्म का मटेरियल है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिया गया है। मैं इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो है 5'6" और आप देख सकते हैं मेरे जो दोनों पंजे हैं, दोनों जो एड़ियाँ हैं वो प्रॉपर जमीन से दोनों पैरों की एकदम टच हो पा रही है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो आप इसको बड़े ही प्यार से चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बूट को ओपन करके दिखा देता हूं। तो चाबी को आपको लेफ्ट में घुमाना है और इसका जो बूट है वो यहां से ओपन हो जाता है। बूट के अंदर में देखेंगे यहाँ पर एक MCV का स्विच यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप स्कूटर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इस डब्बे के अंदर में इसके साइड मिरर हैं, जिसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। और ये है वाई इसकी लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज करने का चार्जर, एम्पियर वाई ग्रिप्स का, जो कि खुद कंपनी का ही है। और ये चार्जर इस स्कूटर की लिथियम आयन बैटरी को 7 घंटे में लगभग पूरा का पूरा चार्ज कर देता है। और इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। ये है फर्स्ट एड किट, ऑनर मैनुअल किट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और ये जो बूट स्पेस आप देख रहे हैं उतना ज़्यादा तो नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से ये 12 से 15 लीटर का रहने वाला है। छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। तो बैटरी को हम निकाल लेते हैं। तो ये है भाई इसकी लिथियम आयन की बैटरी। और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर जो गोल सा ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे और रोटेट करते ऊपर की तरफ खींचने पर इसकी जो बैटरी है, बैटरी का जो सॉकेट है वो निकल जाता है। और ये है भाई इसकी काफ़ी लंबी वाली बैटरी, जो कि पुराने वाले मॉडल से काफ़ी बड़ी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा कैमरा लगाकर। तो ये 60 वोल्ट 38 AH पावर की बैटरी है, जो कि आपको 100 किलोमीटर प्लस की रेंज देने वाली है फुल चार्ज होने पर। इस बैटरी को पूरा का पूरा चार्ज करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। अब देखा जाए तो ये जो बैटरी है वो पुराने वाले मॉडल से काफ़ी बड़ी भी है। और सबसे अच्छी बात, आप इसको घर में ले जाकर भी चार्ज कर सकते हैं। अभी हम इसके मीटर कंसोल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इस स्कूटर में आपको मिलती है फुल डिजिटल LCD डिस्प्ले का सेटअप, जैसा कि यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज दिखा रहा है, ओडोमीटर दिखा रहा है, ट्रिम मीटर दिखा रहा है, बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है और यहाँ पर एरर इंडिकेटर। और ऊपर में साइड स्टैंड की यहाँ पर वार्निंग की लाइट रेड कलर में शो होती है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिलती है हेडलाइट की वार्निंग की लाइट। और यहाँ पर आपको जो है वो राइडिंग के 2 मोड मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडलाइट का बटन दिया गया है। यहाँ पर पार्किंग की लाइट मिलती है, मतलब ये रेडी की यहाँ पर जो वार्निंग सो रही, मतलब ये स्कूटर अभी चलने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आपको राइडिंग के 2 मोड मिलते हैं, लो मोड और हाई मोड का बटन दिया गया। तो लो मोड में अभी हम इसकी टॉप स्पीड को चेक करने वाले हैं। तो आप कंसोल में देखेंगे तो लो मोड में इसकी जो फुल थ्रोटल के साथ स्पीड आ रही है 33 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। अभी मैं इसको स्विच कर लेता हूँ हाई मोड में,
तो हाई मोड में आप देखेंगे इसकी जो स्पीड आ रही है वो है 50 प्लस, मतलब कि लगभग यहाँ पर 58 की जो है वो यहाँ पर टॉप स्पीड इसमें निकल कर आ रही है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली रोड पर मतलब बैठ के चलाएंगे तो वहाँ पर जो स्पीड है वो आपको अप्रॉक्स 50 या 52 के अप्रॉक्स में आ जाएगी। यहाँ पर आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं ये काफ़ी चौड़ा है साइज में, और ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का है मैट ब्लैक कलर में। टेल लाइट की अगर हम बात करें तो जो टेल लाइट है वो पूरी की पूरी हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है। जहाँ तक कि जो इंडिकेटर हैं ये भी आपको टोटल हैलोजन में मिल जाते हैं। और नीचे में देखेंगे तो जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ पर लगी आपकी ग्रीन नंबर प्लेट, जैसा कि हाई स्पीड वाला मॉडल है। साइड में थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर आपको पैनल वगैरह मिल जाते हैं प्लास्टिक के। और पीछे वाले टायर की अगर हम बात करें तो 3010 का यहाँ भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और ये है इसकी BLDC हब मोटर, जैसा कि ये थोड़ा सा हल्के मुल्के पानी में भी आप इसको थोड़ा सा निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो आप इसको जो है वो पानी में ना निकालें, जिस शॉर्ट सर्किट वगैरह हो पाए। और जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये कॉइल स्प्रिंग एडजस्टेबल हैं, जिसको आप अपने मन मुताबिक जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं स्कूटर की प्राइस, सब्सिडी और वारंटी के बारे में। तो एम्पियर जील EX लिथियम आयन बैटरी के साथ इसकी जो एक्सोरूम कीमत है 15,170 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी काटने के बाद फाइनल एक्सोरूम कीमत है वो है 96,690 रुपये। और इसकी जो फाइनल ऑन रोड कीमत है वो है 1,14,000 रुपये। में इस स्कूटर पर 4,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनल इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 1,10,000 रुपये। करें इसके वारंटी के बारे में, तो इस स्कूटर पर आपको मिलती है 3 साल की वारंटी, जो कि वैलिड है 30,000 किलोमीटर तक। और जो वारंटी है उसमें कवर रहते हैं आपकी मोटर, बैटरी, कंट्रोलर और चार्जर। आप इस स्कूटर को खरीद सकते हैं न्यू DB एंटरप्राइजेज गोरा बाजार दमदम कैंटोनमेंट में। यहाँ पर आपको एम्पियर के सारे लेटेस्ट मॉडल मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और DM ऑटो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ कोलकाता वेस्ट बंगाल वाले ही शोरूम के नंबर पर कॉल करें, प्लीज़ उड़ीसा, झारखंड, UP, दिल्ली वाले प्लीज़ कॉल ना करें।